वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास टेंथ के बायोलॉजी के चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग जो भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी HIV एड्स, ऑप्शन सी सेफेलिस एंड ऑप्शन डी गोनोरिया। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी एक ऐसी डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन ए हेपेटाइटिस। क्वेश्चन नंबर टू, इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंथर कंटेन्स? ऑप्शन ए सेपल्स, ऑप्शन बी पेटल्स, ऑप्शन सी ओव्यूल्स एंड ऑप्शन डी पोलन ग्रेन्स। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि फ्लावरिंग प्लांट्स में एंथर क्या कंटेन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी पोलन ग्रेन्स। क्वेश्चन नंबर थ्री, इंडिविजुअल्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स बिकॉज? ऑप्शन ए ट्रांसफर ऑफ DNA, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी ट्रांसफर ऑफ सेल्स एंड ऑप्शन डी राइबोसोम्स। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि जो भी इंडिविजुअल्स जो हैं रिप्रोडक्शन के टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं वो जो है अपने पेरेंट्स की तरीके से सिमिलर क्यों दिखाई देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए ट्रांसफर ऑफ DNA। क्वेश्चन नंबर फोर, एबिलिटी ऑफ ए सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड? ऑप्शन ए बडिंग, ऑप्शन बी स्पोर फॉर्मेशन, ऑप्शन सी बाइनरी फिजन एंड ऑप्शन डी मल्टीपल फिजन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि प्लाज्मोडियम में क्या होता है कि हमारा जो सेल होता है वो सेवरल टाइम डिवाइड्स करता है, तो ये कौन से मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम जो है स्टूडेंट्स हमारा मल्टीपल फिजन को शो करता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ह्यूमन बींग्स? ऑप्शन ए ओवरी, ऑप्शन बी यूट्रस, ऑप्शन सी वास डिफरेंस एंड ऑप्शन डी फेलोपियन ट्यूब। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम लोगों को चार ऑप्शन दिए गए हैं और हम लोगों को बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक ऐसा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो ह्यूमन बींग्स में नहीं प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन सी वास डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी यीस्ट, ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम एंड ऑप्शन डी लेशमानिया। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को एक ऐसा एग्जांपल बताना है जिसमें जो है बडिंग होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी यीस्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स? ऑप्शन ए पोजेस बोथ स्टेमन एंड पिस्टल, ऑप्शन बी पोजेस आइदर स्टेमन और पिस्टल, ऑप्शन सी दे शो सेल्फ पॉलिनेशन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम लोगों को चार स्टेटमेंट दी गई हैं और हम लोगों को एक ट्रू स्टेटमेंट बतानी है यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बेसिस पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन बी पोजेस आइदर स्टेमन और पिस्टल। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं स्टूडेंट्स हमारे, या तो ये स्टेमन को रखते हैं और या ये पिस्टल को रखते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, इन प्लांट्स द पार्ट्स दैट प्रोड्यूस मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आर? ऑप्शन ए स्टेमन एंड एंथर, ऑप्शन बी स्टेमन एंड स्टाइल, ऑप्शन सी फिलामेंट एंड स्टिग्मा एंड ऑप्शन डी एंथर एंड ओवरी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि कौन से पार्ट में जो है प्लांट के मेल गैमेट प्रेजेंट होता है और कौन से पार्ट में फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन डी एंथर एंड ओवरी। एंथर में क्या होता है स्टूडेंट्स, एंथर में हमारा मेल गैमेट प्रेजेंट होता है और ओवरी में हमारे फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर नाइन, ड्यूरिंग DNA कॉपी विच पॉसिबल इवेंट अकर इन द ह्यूमन बींग्स? ऑप्शन ए जायगोट फॉर्मेशन, ऑप्शन बी वेरिएशन अकर, ऑप्शन सी फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि जब भी ह्यूमन बींग्स में DNA कॉपी होता है तो कौन सा पॉसिबल इवेंट अकर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन बी। जब भी स्टूडेंट्स हमारे DNA की कॉपी होती है तब क्या होता है, तब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वेरिएशंस प्रोड्यूस हों। क्वेश्चन नंबर टेन, आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ ए सीड गिवन इन द फिगर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को यहाँ पे सीड का फिगर दे दिया गया है और हम लोगों को जो है इनके पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन ए प्लूम्यूल, कोटिलेडॉन एंड रेडिकल, ऑप्शन बी कोटिलेडॉन, रेडिकल एंड प्लूम्यूल, ऑप्शन सी प्लूम्यूल, रेडिकल एंड कोटिलेडॉन एंड ऑप्शन डी रेडिकल, प्लूम्यूल एंड कोटिलेडॉन। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग फिगर को देखें तो सीड का हमारा अपर पार्ट क्या कहलाता है, प्लूम्यूल कहलाता है। ये क्या होता है हमारा कोटिलेडॉन कहलाता है। ये क्या करता है, ये फूड को प्रिजर्व करके रखता है सीड की ग्रोथ के लिए। और ये जो हमारा लास्ट पार्ट होता है बॉटम पार्ट, ये होता है स्टूडेंट्स रेडिकल। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग यहां से देखें तो इसका सीक्वल क्या होगा, पहले हमारा प्लूम्यूल होगा, फिर कोटिलेडॉन और फिर रेडिकल।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए प्लीम्यूल कोटिलेडॉन एंड रेडिकल। क्वेश्चन नंबर 11, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड, ऑप्शन ए रीजनरेशन, ऑप्शन बी फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन सी बडिंग एंड ऑप्शन डी स्पोर फॉर्मेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन ए रीजनरेशन। तो रीजनरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स जिसमें जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म होता है ये क्या करता है, अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को जनरेट कर लेता है, जैसे कि हमारा लिजार्ट हो गया, स्टार फिश हो गया और हमारा प्लेनेरिया हो गया। ये सब क्या शो करते हैं स्टूडेंट्स, ये सब हमारे रीजनरेशन को शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वेरिएशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑप्शन ए स्पेशिएशन, ऑप्शन बी डाइवर्सिटी, ऑप्शन सी सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि वेरिएशन से क्या क्या हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, वेरिएशन से स्पेशिएशन भी होता है, इससे डाइवर्सिटी भी आती है और वेरिएशन की वजह से जो भी हमारी स्पीसीज होती है स्टूडेंट्स वो सर्वाइव करने की उसकी टेंडेंसी भी बढ़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, ऑप्शन ए एड्रेनलिन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी इंसुलिन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, हम लोगों को बताना है कि इन चारों में से कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन डी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो तीनों हैं ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल आर, ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन बी 46 एंड ऑप्शन डी 48। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हमारे ह्यूमन सेल में जो है कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन बी 46। क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग, ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी प्लेनेरिया, ऑप्शन सी यीस्ट एंड ऑप्शन डी स्पायरोगायरा। इन चारों ऑर्गेनिज्म में से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बडिंग के थ्रू जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, दैट इज ऑप्शन सी यीस्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स, ऑप्शन ए फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी फिजन, ऑप्शन सी टिश्यू कल्चर एंड ऑप्शन डी फ्रेगमेंटेशन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, हम लोगों को ये बताना है कि इन चारों प्रोसेस में कौन सी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो भी हमारा यंग वन प्रोड्यूस होता है वो क्लोन नहीं होता है या वो कॉपी नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन ए फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मेल गैमेट होगा और एक फीमेल गैमेट होगा, इन दोनों का फ्यूजन होगा तो एक जायगोट की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की वजह से क्या होता है कि जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो जो है अपने पेरेंट की क्लोन या कॉपी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17, इन फ्लावरिंग प्लांट्स ओवरी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, ऑप्शन ए सीड, ऑप्शन बी प्लांट, ऑप्शन सी फ्रूट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जो हमारी ओवरी होती है ये किसकी फॉर्मेशन करती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन सी, ओवरी से स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है फ्यूचर में फ्रूट प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल्स और गैमेट्स अकर इन, ऑप्शन ए एब्डोमिनल कैविटी, ऑप्शन बी टेस्टिस, ऑप्शन सी प्लेसेंटा एंड ऑप्शन डी वास डिफरेंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन बी टेस्टिस। तो टेस्टिस में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए जायगोट फॉर्मेशन, ऑप्शन बी फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, मेल गैमेट के फ्यूजन और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन बी फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 20, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम, ऑप्शन ए स्टेम रूट्स एंड फ्लावर, ऑप्शन बी स्टेम रूट्स एंड लीव्स, ऑप्शन सी स्टेम फ्लावर एंड फ्रूट्स एंड ऑप्शन डी स्टेम लीव्स एंड फ्लावर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू जो है न्यू प्लांट्स की जनरेशन कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन बी स्टेम रूट्स एंड लीव्स। स्टूडेंट्स हम लोग जो है विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन स्टेम रूट्स एंड लीव्स से जो है न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों ने जो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के सभी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए है तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं जो है सभी वीडियोज़ की पीडीएफ अपलोड करता हूँ। थैंक्स।